स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बेटा सबको प्रणाम करो। ना ना कुमारी छोरियों से पांव का ना छुआते। अरे दद्दा जी अब तो अक्षरा बिटिया हमारी बहू है। अरे पहले रिश्ता तो पक्का हो जावे। बेटा सबको नमस्ते करो। ये हमारी बहू है शौर्य की दुल्हन। जाओ बेटा। हमेशा खुश रहो बेटा। परिमा चाय। आप लोग भी राजी है ना? बेटा सबको चाय दो। हाँ।
चाय। मैं अभी आती हूँ जी। आ रही हूँ। अरे धनिया जल्दी कर। गोपी तूने लड़का देखा? बड़ा ही अच्छा और गुणी लगता है। मुझे तो लगता है दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। भगवान ने चाहा तो इस बार रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। सच्ची? हाय मेरी मैया, ऐसा हो गया ना तो मैं भी 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी जगदम्बा जी के मंदिर में। भगवान करे ऐसा ही हो सेठानी। बस एक ही बात का डर लग रहा है कि अक्षरा बेटी घबराहट में कहीं कुछ गलत सलत न कह बैठे। मैं मेहमानों को गरम गरम पकौड़े दे के आती हूँ। जल्दी जा और ध्यान से सुनना, कहीं हमारी अक्षरा ज्यादा घबरा तो नहीं रही। हे प्रभु सब ठीक करना। अक्षरा बेटा इधर आओ, हमारे पास बैठो। हाँ मारी, यहाँ बैठो ना, यहाँ जाओ बेटा। आओ तुम कॉलेज में पढ़ती हो बेटा? जी। और क्या शौक है तुम्हारे? तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छे पकवान बनाना जानती है, तुम्हें भी खाना बनाने का शौक है? जी वो शौक का क्या है, करते करते हो जाएगा और फिर सिखा रहे हम लोग इसे, आजकल रोज सीख रही है। आंटी जी शौक तो मुझे भी नहीं है। हाँ माँ और भाभी माँ ने आजकल मेरी कुकिंग क्लासेस शुरू कर रखी है, रोज कोई ना कोई नई सब्जी बनाते हैं मुझसे और हम इसके शिकार बनते रहते हैं। ये हमारी बिटिया हर रोज कोई ना कोई नई डिश बनाती है और हमें वो खानी पड़ती है। वैसे इतना कमाल का खाना पकाती है हमारी बिटिया, दाल का स्वाद सब्जी जैसा और सब्जी का दाल जैसा। आपने तो कहा था ना आपको पसंद आई थी। बेटा तुम्हारी तारीफ करनी पड़ती है वरना तुम जो रूठ जाओगे उसका क्या करें हम। आपको चिढ़ा रहे हैं बेटा, एक बेटी के हाथ का बना खाना उसके पिता को स्वाद ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या क्या शौक है आपके? आपको फिल्में देखना पसंद है? आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? फिल्में वो तो मुझे पसंद है, अक्षरा तो फिल्में देखती नहीं है, है ना माँ? बेटा अरे ये तो संस्कारी छोरियों के गुण होवे हैं, नहीं तो आजकल के छोरा छोरी पिक्चर देख देख के अपने सारे संस्कार बिसरा बैठे हैं। विशंबर जी मैं कहूँ रामायण या गीता याद काहे ना करें हैं? जी हमारी अक्षरा तो रामचरितमानस की चौपाइयां गाकर सुनाती है अपनी दादी को। जी हाँ बहुत मीठा गाती है हमारी बेटी। हाय मोरी मैया, अक्षरा दीदी को तो एकदम समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे और क्या ना कहे, और बड़ी माँ भी घबरा गई थी, वो तो वर्षा भाभी ने संभाल लिया। हमको तो घर में सबको मालूम है ना कि अक्षरा दीदी को ऋतिक रोशन कितना पसंद है, पर हो सकता है उसके ससुराल वालों को ना अच्छी लगे ये बात। तो ये तो ठीक किया वर्षा ने, घर के बड़े बुजुर्गों को ठीक ना लगे हैं कि घर की बहू बेटियां फिल्मों की दीवानी बने फिरे। क्यों सेठानी ठीक है ना? एकदम गलत। अरे पिक्चर देखना कैसे गलत हुआ, और जिसे गलत लगता है लगा करे। हमारी बेटी पिक्चर देखती है तो ऐसा क्या गुनाह करती है? मेरी समझ में तो बात नहीं आ रही। पता नहीं हमेशा ऐसे क्यों होता है कि बात बात पर लड़कियों को ही अपना जी मारना पड़ता है। पिक्चर देखना क्या गुनाह, इसमें क्या गलत बात है? अगर मैं वहां होती ना तो वर्षा को ऐसा कभी नहीं कहने देती। तुम अपना मन खट्टा क्यों करती है सेठानी? दुनिया की रीत है, हम तुम तो इससे लड़ नहीं सकते। अब बेटी को गलत रीत सिखा के उसी का तो नुकसान करोगी ना तुम। अरे नुकसान कैसे गोपी, एक ही जिंदगी तो मिली है हम सबको। अरे उसे जी भर कर जीना कोई गलत बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा विशंबर और राशिरी ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अरे क्यों अपनी बच्ची को इस तरह पढ़ा सिखा रहे हैं? ऐसा करो वैसा ना करो, हमारी बच्ची जैसी भी है अरे लाखों में एक है। हाय मेरी मैया, इस बार तो हमें लड़का भी लाखों में एक लग रहा है दादी। चलो इस बार सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए, भगवान करे कोई अड़चन ना है बस। राजश्री बहन। हाँ जी। मैं सोच रही थी अगर अक्षरा और नैतिक एक दूसरे से बात कर ले तो। शादी का फैसला जिंदगी में एक ही बार लिया जाता है, शादी से पहले एक दूसरे को जान ले समझ ले तो अच्छा रहेगा, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बेटा आप पूछ लीजिए जो भी पूछना चाहते हैं। जी ये दोनों शायद सबके बीच खुल के बात ना कर सके, तो मैं सोच रही थी अगर दोनों अकेले में बात, अगर आपको उचित लगे तो। राजशेखर, छोटी दुल्हन से कह दो ऐसा कोई नियम ना है, तो ऐसी कोई शर्त हम कायम न रख सके। और छोरी के बाप को ठीक ना लग गया तो। जी ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है भाई साहब? जी नहीं, अगर आप, अगर आप सब यही चाहते हैं तो। वर्षा बेटा, नैतिक और अक्षरा को ऊपर छत पर ले जाओ, वहां ये दोनों आराम से एकांत में बात कर लेंगे। जी चल अक्षरा। क्या बात है शौर्य की माँ, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? जी आपने तो अक्षरा से वादा किया था कि आप लड़के से अकेले में बात करने पर मजबूर नहीं करेंगे, फिर क्यों भेज दिया उसे? तो और क्या करते हम, आप तो समझती हैं ना, उन्होंने
ऐसे कहा तो हम मना कैसे कर देते? कैसा लगता उन्हें? ये बात भी ठीक है, लेकिन अक्षरा, हम भी कहां चाहते थे उसे भेजना, लेकिन बात ही कुछ ऐसे निकली कि हम मजबूर हो गए। हे भगवान, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पहले से इतना डरी हुई है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। विशंबर, राशिरी, मेहमानों को छोड़कर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? माँ, अक्षरा लड़के से अकेले में बात करना नहीं चाहती थी। इस समय अक्षरा नैतिक के साथ है, वो बहुत घबराई हुई है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे बहू, कभी तो चिंता करना छोड़ दिया करो। और गड़बड़ कैसी? क्या गड़बड़ हो जाएगी? अक्षरा बहुत समझदार लड़की है। लेकिन माँ, अक्षरा बहुत सहमी हुई थी। और देखो बेटा, हम और तुम तो सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमारे वश में है, बाकी सब भगवान पे छोड़। और फिर जोड़ियां बनाने वाले हम कौन होते हैं? जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। अगर अक्षरा का रिश्ता यहाँ तय हो गया तो समझ लेना वो उसका भाग्य था, और नहीं तो भी जो भाग्य में लिखा था समझ के भूल जाना। समझे? जी। अच्छा, अब चलो जाकर अपने मेहमानों को देखो। अरे अच्छा लगता है, घर में अतिथि आए हुए और तुम दोनों यहाँ खड़े हो। आप भी चलिए माँ। चलो आओ। हाय मरी मैया, क्या बातें हो रही हैं दोनों में। आपका घर बहुत सुंदर है। It's beautiful. आपकी भाभी कह रही थी कि आपको फिल्में देखनी अच्छी नहीं लगती, right? मैंने देखा जिस तरह आप उनके जवाब पर चौंक गई थी, वो झूठ कह रही थी ना? अब आप मेरे सवाल पर चौंक गए। डोंट वरी, मेरे ख्याल इतने भी पुराने नहीं है। आई मीन, पिक्चर देखने में क्या बुराई है? और रश्मि, मेरी बहन, आप तो मिली चुकी हैं ना उसे? उसे तो बहुत पसंद है पिक्चर देखना। बस एक दद्दा जी है जो इन सब चीजों को अच्छा नहीं मानते, मगर दीदी कुछ भूल क्यों नहीं रही है? देखिए, अगर आप कुछ बात नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा? कुछ तो कहिए। अगर आप यूं ही चुप रहेंगी तो मुझे तो यही लगेगा कि शायद आप ये शादी ही नहीं करना चाहती। जैसे कि आपको फोर्स किया जा रहा है। कहीं सच में ऐसा तो नहीं है ना? तू ऐसे चुप रहेगी तो उसे बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे तू जानबूझ के आकड़ दिखा रही है। प्लीज अक्षरा, बोल बोल अक्षरा, कुछ तो बोलो अक्षरा दीदी, कुछ तो बोलो। अच्छा चलिए छोड़िए, आप मेरे सवालों का जवाब मत दीजिए, लेकिन आप ही मुझसे कुछ पूछ लीजिए, कुछ तो कहिए प्लीज। ऐसे खामोश मत बैठिए।
मुझे लगता है कि आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, राइट? ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तूने, वो बेचारा तुझसे पूछता रहा और तूने उसके एक सवाल का जवाब तक नहीं दिया, बात तक नहीं की उससे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।